हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सद्दाम और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी सद्दाम कंप्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कोरल ड्रा के पार्ट 3 है और इसमें हम सीखेंगे फ्लेयर डिजाइन करना। आपने फेसबुक में देखा होगा बहुत सारे एडवर्टाइज रहते हैं जिसमें अलग अलग तरीके का डिजाइन बनाया हुआ होता है और देखने में बहुत ही आकर्षक दिखता है, तो उसको आज हम बनाने की कोशिश करेंगे और आपको सिखाएंगे भी कि किस तरीके से बनाया जाता है और उसको बनाने में कौन कौन सा टूल को उपयोग किया जाता है। सारे चीज को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और बहुत बारीकी से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। हाँ, अपने पास आप पेन कॉपी रख लीजिए, अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो बहुत अच्छी बात है। मैं जिस तरीके से बताता हूँ सेम उसी तरीके से आप अपने कंप्यूटर में करते जाइए, बहुत कम समय में आप कंप्यूटर को सीख सकते हैं और कोरल ड्रा को भी आराम से सीख सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके का नॉलेजेबल वीडियो बनाते रहता हूँ जो आप सभी लोगों को बहुत ही उपयोगी साबित होता है और कंप्यूटर को सीखने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो चलिए चलते हैं अपने पीसी स्क्रीन पे और देखते हैं किस तरीके से फ्लेयर डिजाइन किया जाता है। तो हम आ चुके हैं अपने पीसी स्क्रीन पे और कुछ इस तरीके का एक फ्लेयर डिजाइन करके मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसको बनाने में। आपके पास कोई भी वर्जन हो कोरल ड्रा का कोई परेशानी नहीं है, लगभग सबका तरीका सेम ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करूंगा, एक न्यू ब्लैंक पेज ले लूंगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद यहाँ रेक्टेंगल टूल है, इसमें डबल क्लिक करूंगा तो हमारा पूरे का पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ टू लाइन को हम लेंगे और इसके बाद इस तरीके से हम यहाँ ड्रैग करेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद सेव टूल को हम लेंगे, सिंगल क्लिक करके यहाँ पास सिंगल क्लिक करना है और यहाँ पास टू कर्व पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस तरीके का आपको डिजाइन बन जाएगा कुछ इस तरीके से। आप जैसा चाहो अपने तरीके से बना सकते हो और यहाँ पास दो हैंडल आपको मिलेगा, इस हैंडल को अगर ऊपर नीचे करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपके सामने डिजाइन बनेगा कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पास देखिए हमारे पास ये स्मार्ट फिल टूल है, इस पर एक बार जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पूरे में क्लिक हो जा रहा है, पूरे में कर दे रहा है। इसको हम कंट्रोल जेड करेंगे, ये इसलिए हो रहा है आपको बताने के लिए मैं ऐसा किया था क्योंकि ये देखिए हमारा अंदर है। इसको थोड़ा सा इस तरीके से बाहर करेंगे, इसको भी बाहर करेंगे और स्मार्ट फिल टूल को लेंगे कुछ इस तरीके से, कलर करेंगे तो हमारा ये कलर हो जाएगा। अब अगर इसको डार्क कलर करना चाहते हो या कोई भी कलर करना चाहते हो तो उस पर क्लिक कर दीजिए यहाँ कलर पैनल पे, तो सेम उसी कलर का हो जाएगा। और यहाँ देखिए नीचे दो कलर दिया हुआ है आपका, यहाँ फिल कलर दिया है RGB वगैरह। इस ऊपर वाले कलर में डबल क्लिक कीजिए तो आपके सामने यूनिफॉर्म फिल टूल ओपन होगा। इसके बाद यहाँ मॉडल मॉडल पर क्लिक कीजिए और जो भी कलर चाहिए आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि थोड़ा सा इस कलर को थोड़ा सा और डार्क करेंगे कुछ इस तरीके से और ओके पे क्लिक करेंगे तो सेम वही कलर का हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पास लेना है मूव टूल को। इसके बाद यहाँ देखिए जो आप बाहर लाइन किए हो इस पे क्लिक कीजिए, डबल क्लिक करना है और यहाँ जो ये सर्कल है इस सर्कल को आपको क्या करना है कुछ इस इतना के आसपास में रख देना है। इसके बाद यहाँ देखिए जो यहाँ पास देखिए राउंड का सर्कल दिख रहा है एरो, इस पे आपको लेफ्ट क्लिक करते हुए इस तरीके से ड्रैग करना है और एक बार आपको राइट क्लिक कर देना है तो डुप्लीकेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद आप या तो कंट्रोल के साथ में R प्रेस कर दीजिए तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप R नहीं प्रेस करना चाहते हैं तो फिर से आपको यहाँ मूव टूल को लीजिए और डबल क्लिक करके इसके बाद इसको यहाँ पास राइट क्लिक करके नीचे जितना चाहिए इतना में ड्रैग करके आपको एक बार राइट क्लिक कर देंगे तो इसका कॉपी बन जाएगा। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि ये ऊपर नीचे हो गया। अब चलिए इसको ठीक करते हैं, तो यहाँ पास इसको बाहर कर दिए हैं, ये अच्छा है और नीचे वाला छोटा है। इसको यहाँ पास से इस तरीके से पकड़ के हम इसको बाहर कर देंगे। इसके बाद क्या करना है, स्मार्ट फिल टूल को लीजिए और यहाँ पास इसमें भी कलर दे दीजिए, इसमें भी कलर दे दीजिए। देने के बाद आपको क्या करना है, इस ऊपर वाले को आपको सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है और इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट करना है, इसको भी डिलीट करना है। इसमें एक बार क्लिक करके यहाँ पास राइट क्लिक कर दीजिए तो इसका जो है स्टॉक वो खत्म हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पास आएंगे, आपको देखें इंटरेक्टिव फिल टूल पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से इसको हम यहाँ से ड्रैग करेंगे। आपको जो भी कलर हो पसंद उस कलर को यहाँ पास ला करके इस तरीके से आप डाल दीजिए जो कि अभी फिलहाल अच्छा दिखने लगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे वाले पे भी इस तरीके से ड्रैग करेंगे और इसको उल्टा कर देंगे कुछ इस तरीके से तो ये हमको अच्छा लगने लगेगा कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा कर दे रहा हूँ मैं, देख लीजिए। और इसमें कोई आप दूसरा कलर भी आप इस तरीके से दे सकते हो, तो मैंने दे दिया तो अभी लगभग अच्छा लगने लगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और हम लेंगे टू लाइन इस तरीके से, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इधर से बाहर निकाल देंगे, इधर भी हम बाहर निकाल देंगे।
इसके बाद हमको यहाँ लेना है कर्व टूल को यानी शेप टूल को। लेने के बाद एक बार सिंगल क्लिक करने के बाद राइट क्लिक कीजिए और यहाँ टू कर्व पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही हम कर्व पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो हैंडल मिल जाएगा। एक हैंडल हमारे पास यहाँ है, कुछ इस तरीके से इसको आप कर सकते हो और इसको आप इस तरीके से नीचे कर सकते हो या फिर ऊपर कर सकते हो इसको इस तरीके से, और इधर वाले को आप नीचे कर सकते हो, तो ये अलग तरीके का दिखने लगेगा। आपको जितना अच्छा लगे उतना में इस तरीके से कर दीजिए, ठीक है। फिलहाल मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, मैं फिलहाल इसको इतना ही मैं रहने दूंगा कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसको इस तरीके से करूं तो ये मेरे को अच्छा लगेगा थोड़ा सा। इतना इसको पकड़ के यहाँ से ले आऊँगा इस तरीके से, और इसको इस तरीके से हल्का सा कर दूंगा। इसको मैं ऊपर ले आता हूँ यहाँ पे, और इसको इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अभी अच्छा डिजाइन दिखने लगा मेरे को। स्मार्ट फिल टूल को लेंगे, यहाँ पास एक कलर दे देंगे। इसका कलर आप जो भी कलर देना चाहते हो इस तरीके से दे दीजिए। अगर इसको और डार्क देना है तो इस कलर में RGB पे क्लिक कीजिए, यहाँ मॉडल पे आइए, और मॉडल पे आने के बाद जो भी कलर आपको अच्छा लग रहा हो उसमें क्लिक करके ओके कर दीजिए, तो ये अच्छा लगने लगेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर वाले को इस तरीके से पकड़ करके इसको डिलीट कर देना है। अब देखिए ये बहुत खूबसूरत दिखने लगा, शानदार दिखने लगा। अब हम इसमें इमेज लगाएंगे। किस तरीके से इमेज लगाएंगे, तो आपके पास जहाँ भी इमेज है उस इमेज को आप ले आइए। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे। तो मैं इसको अभी बंद करूँगा, यहाँ से नीचे करूँगा, और मैंने एक इमेज रखा है यहाँ पास Dream11 पे। चलिए मैं वहाँ चला जाता हूँ। जहाँ भी इमेज रखे हैं आप वहाँ चले जाइए। तो हमारे पास ये एक इमेज है, मैं इस इमेज को इस तरीके से ड्रैग करूँगा और इस कोरल ड्रा पे एक बार इस तरीके से करूँगा और यहाँ पे लाके इस तरीके से छोड़ दूंगा। इसके बाद क्या करूँगा कि अभी ये फेस इधर है, मैं इसको इधर करना चाहता हूँ, तो आप सिंपली इस पर क्लिक कीजिए मिरर हॉरिजॉन्टल पे, तो आपका ये इस तरीके से मूव हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक कीजिए ऊपर वाले पे, इसमें भी एक बार क्लिक कीजिए और यहाँ आ जाइए आप इफेक्ट में, इफेक्ट टूल में, और यहाँ पास पावर क्लिप मिलेगा, प्लेस इनसाइड कंटेंट पे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा। इसके बाद यहाँ एडिट कंटेंट है, राइट क्लिक कीजिएगा, ओपन आ जाएगा। इसके बाद इसको अपने जगह पे सेट कर दीजिए जितना आप चाहते हैं। चलिए मैं अभी इसको सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अभी मेरा हल्का सा अच्छा लगने लगा। इसके बाद यहाँ फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये इमेज हमारा यहाँ जा करके सेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पास एक और डिजाइन बनाते हैं हम। चलिए देखते हैं किस तरीके से उसको डिजाइन बनाते हैं। एक रेक्टेंगल लीजिए, इस तरीके से आप ड्रॉ कीजिए और इस शेप टूल को लीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए और शिफ्ट के साथ में इस कॉर्नर वाले को सिलेक्ट कीजिए और दोनों को कुछ इस तरीके से ऊपर के ओर राइट क्लिक कर लेफ्ट क्लिक करते हुए ड्रैग कर दीजिए, तो कुछ इस तरीके का डिजाइन बन जाएगा। यहाँ से आप चाहो तो इसको दो पॉइंट में कर सकते हो कुछ इस तरीके से। इसके बाद आप यहाँ पर ला करके इसको छोड़ दो इस तरीके से। इसमें कोई भी एक कलर दे दो आप इस तरीके से, जो भी कलर आपको समझ में आए उस कलर को आप यहाँ पास रख सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको इस कलर का रख देता हूँ और डबल क्लिक करने के बाद एक बार इसको डुप्लीकेट बना करके इसको इस तरीके से रोटेट कर देता हूँ इस तरीके से, और ऊपर वाले कलर में मैं कुछ इस तरीके का कलर भर देता हूँ, तो ये देखिए अच्छा लगने लगा। अब नीचे वाले को सेलेक्ट करके आउटलाइन को इस तरीके से रिमूव कर दीजिए, ऊपर वाले को भी सेलेक्ट करके यहाँ पास राइट क्लिक कीजिए तो उसका आउटलाइन रिमूव हो जाता है। इसमें भी एक इमेज हम सेट करेंगे, तो चलिए कैसे करेंगे, चलिए सबसे बताते हैं। यहाँ पहले यहाँ पास एक मॉडल का हमारे पास इमेज है, इसको लेकर के हम आएंगे यहाँ पे और इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पास ला करके सेट करेंगे। इसमें भी इमेज को रखने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको क्या करना है, इसको पकड़ के यहाँ रखना है और यहाँ पे आ जाना है आपको इफेक्ट में, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड कंटेंट, इस पे क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक करने के बाद एडिट कंटेंट यहाँ पास आइए, इसके बाद इसमें क्लिक कीजिए और इसको इस तरीके से एडजस्ट कर दीजिए जहाँ तक आपको अच्छा लगता हो। इसके बाद फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए, ये आपका इमेज उसके अंदर चला जाएगा। अब जो भी आप टेक्स्ट देना चाहते हो यहाँ पास टाइप कर दीजिए, और यहाँ पास अगर एक सर्कल बनाना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको एक सर्कल बना के दिखाता हूँ। इस तरीके से सर्कल बनाइए, देखिए ये टेढ़ा बन जाता है, लेकिन अगर मैं इसको कंट्रोल के साथ में बनाऊंगा तो सीधा बनेगा। कंट्रोल बटन को प्रेस किए रहेंगे और इस तरीके से हम बनाएंगे तो हमारा ये क्या होगा, सीधा बनेगा इस तरीके से। आप जहाँ भी रखना चाहते हो कुछ इस तरीके से इसको रख दो इस तरीके से। इसके बाद इसमें एक कलर दे दीजिए, मैं फिलहाल व्हाइट दे देता हूँ। देने के बाद इसका स्ट्रोक दूंगा मैं, मतलब क्या बोलते हैं, शेडो दूंगा। तो शेडो देने के लिए यहाँ पास हमारे पास शेडो टूल है, देख लीजिए, ड्रॉप शेडो, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ प्रीसेट में आपको देखने को मिलेगा, तो मीडियम ग्लो पे क्लिक करिए। इसके बाद इसको 10-50 पे है तो इसको मैं क्या करूँगा, 10 के आसपास में रख दूंगा। इसके बाद इसका कलर जो है, कलर को हम यहाँ पास डार्क कर दूंगा तो अच्छा लगने लगेगा। अब इसके बाद इसमें भी कुछ अगर आपको प्लेस करना है यानी इसमें भी सेट करना है तो उस इमेज को भी ला करके आप उसमें सेट कर देते हो, कर सकते हो। फिलहाल मैं इसी मॉडल को उसमें ला करके रख देता हूँ। चलिए मैं देखता हूँ कैसे रखना है,
इस तरीके से इसको यहाँ पास मॉडल को रखिए और यहाँ पास इफेक्ट, इफेक्ट में पावर क्लिक, इसके बाद प्लेस इनसाइड, इस पर क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ एडिट कंटेंट, इसको यहाँ पास ला करके इस तरीके से सेट कर दीजिए, जो कि अच्छा लगने लगेगा, कुछ इस तरीके से आपका दिखने लगेगा। आप जो भी आप टेक्स्ट देना चाहते हो यहाँ टेक्स्ट टूल को लीजिए, यहाँ पास टाइप कर दीजिए। फिलहाल मैं एक टाइप कर देता हूँ, क्या टाइप कर दूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पास एरियल ब्लैक में लिख देता हूँ सीजी सद्दाम, अपने ही चैनल का नाम लिख देता हूँ मैं, देख लीजिए यहाँ पास सीजी सद्दाम कंप्यूटर, ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। इसके बाद आप जहाँ भी रखना चाहते हो इसको इस तरीके से रख सकते हो। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ सेंटर में, इसका कलर को मैं व्हाइट कर देता हूँ जो कि अच्छा लगेगा। और भी आप बहुत सारे टेक्स्ट को लिख सकते हैं इधर भी और प्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। ये हमारा कोरल ड्रा का पार्ट 3 था और पार्ट 4 में आएंगे और भी अलग तरीके का डिजाइन करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।